अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और बस जी अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और बस अभी उठी हूँ मैं। आज बहुत लेट उठे हम लोग और घर में सभी बहुत लेट उठे हैं। खैर अभी सुबह हो गई हमारी और पापा और ये गए हैं दुकान और हरीश काफ़ी देर से अम्मी के रूम में है तो देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं अम्मी के रूम में, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। नाश्ता किया और वैसे अम्मी के रूम में चले गए तो उसके बाद फिर निकले नहीं। और इन लोगों को मोबाइल की आदत से हम लोग इतने परेशान हैं ना, मतलब अच्छा तो नहीं लगता है कि बच्चे इसी तरह दिन भर मोबाइल चलाएँ और कोई भी दूसरी एक्टिविटी में ध्यान नहीं रहता। इनका पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई कर लिए और जो भी फ्री टाइम होता बस मोबाइल। तो इसलिए हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे उसको। और दोनों को मैं डांटती भी हूँ, अच्छे से भी समझाती हूँ, पर वो लोग सुनते नहीं। सुनते हैं तो कुछ देर के लिए सुनते हैं, फिर वापस वही हरकत करने लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने इनसे कहा कि आप खुद बोलें उनको और इस तरह से समझाएँ, डांटें, कुछ भी करें, लेकिन उनको मोबाइल से दूर करना है हमने। तो बस इसलिए आज इन्होंने हालत ख़राब कर दी डांट डांट के। तो दोनों भाई ने सुबह से ना मोबाइल हाथ में लगाया है और इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही रहेगी कि लोग मोबाइल हाथ ना लगाए, मतलब इतना ना लगाए, चलाए चलाने के तरीके से। यार क्या दिन भर उसमें लगे रहना। खैर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और नाश्ता वगैरह तो सबने कर लिया है तो आगे चलते हैं अम्मी के रूम में, देखते हैं अनारिश को क्या कर रहे हैं दोनों। तो काफ़ी देर से आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। अरे बंद हो गया नहीं अभी काम बंद हुआ अभी खाते मम्मा मुंह पे भी लगाओ मुंह पे लगाओ मुंह पे अभी खाते अब हुआ से बहुत दुख रहा था बेटा जरा ऐसा दबाऊं कि कभी दुखने ही नहीं शुरू होगा बंद ही होगा हमेशा बाजी कुछ आराम लगा हाँ बिल्कुल अच्छा हो गया छोड़ दो अम्मी दुखे पर कभी अम्मी कुछ आराम लगा आराम लगा हाँ बिल्कुल अच्छा हो गया अब कभी दुखेगा अब कभी साल नहीं दुखेगा अम्मी इनका आटा मस्त दे इन्हें मेरे सिर का तेरी अम्मी कभी गालियों को और मस्ती मजाक सारा करने के बाद हम लोग यहाँ पे किचन में आ गए थे। अम्मी मेरे पास ही बैठी थी, हरा धनिया साफ़ कर रही थी और मैं यहाँ पे खाना बना रही थी। और खाना बनाने के बाद फिर मैं यहाँ बर्तन वगैरह साफ़ करने लगी। और यहाँ पे मैं इन लोगों को पढ़ाई करवाने के लिए बैठी थी, लेकिन मैंने दवाई भी देना था तो मैंने कहा पहले दवाई ले लो उसके बाद फिर हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और आजकल मैं हॉल में ही पढ़ाती हूँ इन लोगों को, क्योंकि रूम में पढ़ते हैं तो पलंग पे बैठे रहते हैं और बैठे बैठे सोने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, मतलब दिमाग पढ़ाई में कम रहता है, इनका नींद में ज़्यादा रहता है। तो मैंने सोचा अब मैं ना इनको हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए बिठाया करूँगी ताकि इनका दिमाग पढ़ाई में लगे। और कमरे में तो क्या है कि मोबाइल चलाना है और बस, लेकिन आज तो अल्लाह का शुक्र है इन लोगों ने मोबाइल हाथ नहीं लगाया है और इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही हो। तो बस यहाँ आरिश लिख रहा है, अयान ने याद कर लिया था तो सुना रहा था मुझे, और साथ में झंडे से भी खेल रहा है। आप देख सकते हैं कितना झंडा लहरा रहा है वो, इतना तो 15 अगस्त पे भी नहीं लहराया होगा। अच्छा मैंने सुबह भाजी का सर दबाया था, आपने देखा होगा सर क्या दबाया था मैंने, उन्हें परेशान किया था। तो अब ना मेरा हाथ भी दुख रहा है तो चलते हैं कमरे में उनके और देखते हैं वो मेरा हाथ कैसे दबाती है। आ जाओ मैदान में। ओ ओ भाजी मैंने बहुत प्यार से दबाई थी। ऐसे ऐसे ये प्यार था भाजी ने बहुत प्यार से दबाया। ये मैं मामले क्या है, मेरी फिक्र, मेरी जान की फिक्र मैं तो करूंगी ना, तुम लोग भले मत करो, आराम से बात। अम्मी ने पूरी बाम खा गई, अच्छी लगती है अम्मी मुझे। हाँ हाँ भाजी जरा प्यार से, भाजी जरा प्यार से, हाथ टूट जाएगा भाजी आराम से।
अम्मी अम्मी इनको बोल ओ बहुत दुख रहा है, अच्छे से दवा रही हूँ, इनसे तो अच्छे से दवा रही हूँ जैसे मेरे को दवाएं थी। हाँ ये तो है, देख लो खुद ही बोल रही हो। बाप रे वो दुख रहा अम्मी, देखने लगवा के मुझे थका के बच्चे लम निकल। कहाँ से ला रही हैं काम? अच्छा कैसा आ गया है ना, मेरे को भी मोटा मोटा से लग रहा है। यहाँ पे कुछ ज्यादा इससे कुछ करे थे क्या? मैं लिखती थी ना तब फंसाता था मेरा। कुछ भी नहीं कर यार मैंने तो बाजी। अरे इतना थोड़ी लिख, और ये उल्टा है। अब क्या करूँ, अब क्या करूँ बाजी, झटकार दूँ उंगलियों को जरा। मेरे हाथ में नहीं आ जाएगा ओ। मैंने मम्मा को खुद हाथ धोकर दे, कैसे दे कैसे खूब दुखेगा तेरी मम्मा को। बेटा मोरी गीली कर दी है। बस बस बाजी बस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तू मेरे बस ऐसे दर्द से ऐसे दवाने से ऐसे तो जी आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय।